अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पेशली ब्रेन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्पाइनल कॉर्ड को भी स्टडी करेंगे। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बिकॉज सारी की सारी नर्वस कोऑर्डिनेशन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। सो इट इज़ बेसिकली अ कंट्रोल यूनिट, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोई रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन वॉलेंटरी हो इनवॉलेंटरी हो। सो सब इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाला जो बॉस है, जो प्रोसेसर है, उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और उसमें भी स्पेशली ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई निज़ाम ज़रूर मौजूद होगा। तो डेफिनेटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तीन तरीकों से प्रोटेक्ट किया जाता है आपकी बॉडी के अंदर। नंबर वन, स्केलेटन। इसके ऊपर स्केलेटन प्रेजेंट होता है और ब्रेन के ऊपर आप जानते हैं ये जो स्कल का स्केलेटन है ये प्रेजेंट होता है, जिसे क्रैनियम कहा जाता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर एक स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जिसे वर्टेब्रल कॉलम कहा जाता है, या बैक बोन, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। सो पहली प्रोटेक्शन तो इसे स्केलेटन से मिल जाती है। दूसरी प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर कुछ लेयर्स होती हैं जिन्हें मिनाइंजेस कहा जाता है, यानी कलेक्शन ऑफ लेयर्स होती हैं, तीन लेयर्स होती हैं बेसिकली, और इन्हें मिनाइंजेस कहा जाता है। इन लेयर्स के कुछ नाम हैं ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। ड्यूरा मैटर सबसे आउटर कवरिंग है, सबसे बाहर वाली कवरिंग है, और ये बड़ी हार्ड होती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। उसके अंदर होती है एरेक्नॉइड मैटर और सबसे लास्ट वाली जो सबसे अंदर होती है उसे पिया मैटर कहा जाता है। ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं और डेफिनेटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं ये लेयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्ट किया जाता है, वो होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो आपका जो सर वाला रीजन है उसके अंदर, एंड स्पाइनल जो स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन है उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये फ्लूइड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बिटवीन एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर, यानी ये जो दो लेयर्स हैं मिनाइंजेस की, इन लेयर्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड आपके ब्रेन के अंदर डेफिनेटली ब्लड वेसल्स जा रही हैं जो आपके ब्रेन को ब्लड प्रोवाइड करती हैं, उन ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर निकलता है बाय डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए, पिनोसाइटोसिस के जरिए ये फ्लूइड बाहर निकलता है और इन लेयर्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब उसकी प्रॉपर अमाउंट इकट्ठी हो जाती है तो डिफ्यूजन स्टॉप हो जाती है डेफिनेटली। तो ये फ्लूइड क्या करता है? ये फ्लूइड प्रेजेंट है, ये फ्लूइड एक्चुअल में आपको मैकेनिकल शॉक से बचाता है, यानी जब आपको कोई झटका लगता है लगती है तो ये क्या है, एक किस्म का मैट्रिक्स टाइप नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो उस शॉक से बचाता है। ये ज़्यादा प्रेस नहीं होने देता क्योंकि फ्लूइड है, अगर हवा होती तो ये लेयर्स आपस में टकरा जाती तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता था, बट ये पानी होता है, फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्टेड होता है। सो ये तीन तरीके हैं जिनसे जिनकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड होता है। अब हम चलते हैं ब्रेन की तरफ। आपके ब्रेन का तकरीबन वेट होता है 1.34 kg और ये मोस्ट ऑफ द टाइम इंटर न्यूरॉन से या इंटरमीडिएट न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोस्टली इंटरमीडिएट न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, मोस्टली मैंने कहा है, बीच में कुछ और न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम। ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन सबसे ऊपर वाला ब्रेन, मिड ब्रेन दरमियान वाला ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन सबसे नीचे वाला ब्रेन। तीन पार्ट्स हैं जी, इनको बारी बारी देखते हैं और इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनके नाम भी देखते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन से शुरू करते हैं, सबसे ऊपर वाला जो ब्रेन है, और फोर ब्रेन याद रखिए ये सबसे बड़ा पोर्शन है। पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम डेफिनेटली हर एक स्ट्रक्चर के एट द एंड फंक्शन भी स्टडी करेंगे। सो फोर ब्रेन क्या है? सबसे बड़ा पोर्शन है, ये सबसे ऊपर और सबसे बड़ा पोर्शन है आपके ब्रेन का। फोर ब्रेन को फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वो पार्ट्स हैं टेलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। यानी फोर ब्रेन के दो पार्ट्स हैं टेलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन को भी फर्दर फिर डिवाइड किया गया और डायनसेफेलॉन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फोर ब्रेन आपका ये ऊपर वाला रीजन है, ये सारा जो आपको ऊपर वाला रीजन नज़र आ रहा है यहाँ तक, ये आपके पास फोर ब्रेन आ जाता है। ओके, फोर ब्रेन को मैंने कहा दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला आ जाता है टेलेंसेफेलॉन
और दूसरा आ जाता है डायनसेफलॉन। तो टेलनसेफलॉन फिलहाल मैं लिखूंगा क्योंकि टेलनसेफलॉन के फर्दर दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आ जाता है सेरिब्रम। ये पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, सबसे बड़ा जो पोर्शन है इसे सेरिब्रम कहा जाता है। सेरिब्रम सबसे लार्जर पोर्शन है आपके ब्रेन का और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है क्योंकि सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को ये कंट्रोल कर रहा है। बट फंक्शन एट द एंड हम स्टडी करेंगे, सेरिब्रम ये आ जाता है। सेरिब्रम को जब हम गौर से देखते हैं तो सेरिब्रम का ये जो ऊपर ऊपर वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा ग्रेश कलर का होता है, सो इसे हम ग्रे मैटर कहते हैं, और ये अंदर वाला जो रीजन है इसे वाइट मैटर कहते हैं। सो ये जो ग्रे मैटर है इसका दूसरा नाम होता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रीजन। और ग्रे मैटर आप जानते होंगे कि सेल बॉडीज, न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से मिलकर बना होता है ग्रे मैटर, और सेल बॉडी सारे कोऑर्डिनेटेड फंक्शन कंट्रोल कर रही होती हैं, प्रोसेस कर रही होती हैं। इसका मतलब यह है कि ये कॉर्टेक्स वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही रिस्पॉन्सेज दे रहा होता है, इसके अंदर सारी सेल बॉडीज हैं। और ये अंदर वाला जो वाइट मैटर है ये एक्सॉन से मिलकर बना हुआ है डेफिनेटली, इसीलिए ये वाइट मैटर कहलाता है क्योंकि एक्सॉन्स के ऊपर क्या होते हैं, माइलिनेटेड शीथ होती है, माइलिन शीथ होती है जो कि फैट होती है, और फैट वाइट होती है। तो सेरेब्रम हमने देख लिया सबसे लार्जर पोर्शन है, फर्दर इसमें एक कॉर्टेक्स रीजन है और एक वाइट मैटर वाला रीजन है, समटाइम मेड्यूला भी उसे कहा जाता है। सो कॉर्टेक्स और मेड्यूला में ये डिवाइडेड है और इसे हम सेरेब्रम कहते हैं। बट ये तो साइड क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बट जब हम सामने से देखते हैं तो आपका सेरिब्रम दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक सेरिब्रम इस साइड पर है और एक सेरिब्रम इस साइड पर है, और दरमियान से इस तरीके से एक कट सा लगा हुआ है। सो इन इस कट के इस साइड वाला जो रीजन है उसे हम राइट हेमिस्फेयर कहेंगे, इस साइड वाला जो रीजन है उसे हम लेफ्ट हेमिस्फेयर कहेंगे। राइट वाला साइड पर जो प्रेजेंट है उसे राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट वाली साइड पर लेफ्ट हेमिस्फेयर। और हेमिस्फेयर क्या होता है, आपकी जो अर्थ है, दुनिया है, उसे भी दो हेमिस्फेयर में डिवाइड किया गया है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी दो हाफ्स हैं। तो आपका सेरिब्रम के भी दो हाफ हैं, दो पार्ट्स हैं। कैसे दो पार्ट्स हैं, ऐसे जब हम फ्रंट व्यू से देखते हैं तो आपका सेरिब्रम ऐसे, ब्रेन ऐसे ऊपर से दिखाई देता है, एक ये वाला हाफ आ गया, एक ये वाला हाफ आ गया। इस हाफ को जब हम देखते हैं तो ये होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर, और जब इसे हम देखते हैं तो ये आ जाता है राइट हेमिस्फेयर। अब ये दोनों हेमिस्फेयर सेपरेटेड हैं, बट डेफिनेटली ये दोनों हेमिस्फेयर आपस में जुड़े होते हैं बाय बंडल ऑफ फाइबर्स, और वो फाइबर्स एक्सॉन होते हैं डेफिनेटली। सो ये आपस में जुड़े होते हैं बंडल ऑफ फाइबर से ताकि एक हेमिस्फेयर की इंफॉर्मेशन दूसरी हेमिस्फेयर की तरफ जा सके। तो उन बंडल ऑफ फाइबर्स को कहा जाता है कॉर्पस कोलोसम। सो ये यहाँ पर ग्रीन कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं ये फाइबर्स होते हैं, एक्सॉन्स के फाइबर्स होते हैं, और इन्हें कहा जाता है कॉर्पस कोलोसम, कॉर्पस कोलोसम। क्लियर हो गया, यानी ये दोनों हेमिस्फेयर आपस में ज्वाइन होंगे बाय एक्सॉन्स बंडल फाइबर्स, और उन्हें कॉर्पस कोलोसम कहा जाएगा। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर आपस में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ कि जो आपका राइट हेमिस्फेयर है वो आपकी लेफ्ट पार्ट, आपकी बॉडी के लेफ्ट पार्ट वाला जो रीजन है, लेफ्ट साइड वाला जो रीजन है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, या उसकी सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो आपके राइट बॉडी पार्ट्स की कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, यानी जिग जैग में ये जा रहा है, ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ को कंट्रोल करेगी, ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ को की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करेगी। ओके, सेरिब्रम को हमने देख लिया, ऊपर से ये ऐसा दिखता है, दो इसकी स्प्लिटिंग होती है, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर, इन दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ने वाला है कॉर्पस कोलोसम, एक्सॉन बंडल फाइबर भी होता है, और सेरिब्रम में कॉर्टेक्स रीजन होता है और वाइट मैटर वाला रीजन होता है। इसके अलावा टेलेंसेफेलॉन का दूसरा पार्ट भी होता है जो कि यहाँ पर शॉर्ट सा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, इसे कहा जाता है ओल्फैक्टरी बल्ब, ओल्फैक्टरी बल्ब। ये भी एक ब्रेन की छोटी सी स्ट्रक्चर है और ये बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट होती है, और ये ओल्फैक्टरी बल्ब आपकी सेंस ऑफ स्मेल वगैरह को कंट्रोल कर रही होती है, और ये बिल्कुल नाक के अंदर की जो कैविटी है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है इसी वजह से। सो ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ये पार्ट हैं टेलेंसेफेलॉन का। तो फोर ब्रेन का एक हिस्सा हमने कंप्लीट कर दिया जिसे टेलेंसेफेलॉन कहते हैं। अब आ जाता है दूसरा हिस्सा जिसे डायनसेफेलॉन कहा जाता है, डायनसेफेलॉन।
सेफालन। डायनसेफालन फोर ब्रेन का ही डेफिनेटली एक हिस्सा है। डायनसेफालन में फर्दर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं? यहाँ पर ये जो रेड कलर की आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है राउंड सी, इसे कहा जाता है थैलामस। और अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो ये डायरेक्टली जो सेरिब्रम है उसके नीचे प्रेजेंट है। सेरिब्रम के नीचे और अंदर दरम्यान में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे थैलेमस कहा जाता है। फिर थैलेमस के नीचे ग्रीन कलर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है, तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइपोथैलेमस। सो दिस स्ट्रक्चर इज हाइपोथैलेमस। अब अगर आप गौर से देखें तो हाइपोथैलेमस के नीचे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस तरीके से पियर शेप स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, सो इट इज एक्चुअली अ ग्लैंड, और ये हाइपोथैलेमस का ही पार्ट होता है। आगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम इसे स्टडी करेंगे डिटेल से। ओके, अब यहाँ पर थैलेमस और हाइपोथैलेमस की इस साइड पर जब हम देखते हैं तो आपको ब्लैक सी एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ये ब्लैक सी स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है हिप्पोकैम्प, एमिग्डाला, सॉरी एमिग्डाला, ये आ जाती है एमिग्डाला। और इसके पीछे ये ब्लू कलर में जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसे कहा जाता है हिप्पोकैम्पस। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं पार्ट ऑफ डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमेग्डोला, हिप्पोकैम्पस एंड समटाइम पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये पांच स्ट्रक्चर्स डायनसेफलॉन का हिस्सा हैं। सो हम फोर ब्रेन को अगेन से कंक्लूड करते हैं। फोर ब्रेन के दो पार्ट हैं, टेलेंसेफलॉन, डायनसेफलॉन। टेलेंसेफलॉन को जब हम देखते हैं तो टेलेंसेफलॉन सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी बल्ब से मिलकर बना होता है। डायनसेफलॉन को जब हम देखते हैं तो डायनसेफलॉन के अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमेग्डोला, हिप्पोकैम्पस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी स्ट्रक्चर डायनसेफलॉन में आती हैं। सो टुगेदर फोर ब्रेन सबसे लार्जर पोर्शन है और इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिली हैं। अब फोर ब्रेन आपका खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं फोर ब्रेन के नीचे एक और ब्रेन होता है जिसे मिड ब्रेन कहा जाता है। सो यहां पर ये जो रेड कलर का आपको मैंने ड्रा कर रखा है, खाना सा नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है मिड ब्रेन, और इसका एक ही पार्ट है, इसे जस्ट मिड ब्रेन कहते हैं। तो ये सिंपल होगा आपके लिए। मिड ब्रेन बेसिकली हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान वाला जो रीजन है उसे मिड ब्रेन कहा गया है, और इसका एज सच कोई खास फंक्शन भी नहीं होता। ये जस्ट एक रिले स्टेशन होता है, नीचे की इन्फॉर्मेशन ऊपर को भेज रहा है, ऊपर की इन्फॉर्मेशन को नीचे को भेज रहा है। तो मिड ब्रेन आ गया। अब मिड ब्रेन के नीचे वाला जो ब्रेन होगा उसे हाइंड ब्रेन कहेंगे। हाइंड ब्रेन, ब्रेन के नीचे वाला जो रीजन है। सो हाइंड ब्रेन को जब हम देखते हैं तो हाइंड ब्रेन के फर्दर तीन पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट, ये आपको रेड कलर में फोल्डेड स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, इसे कहा जाता है सेरिबिलम। सेरिबिलम, एल आपने लगाना है, सेरिब्रम नहीं है, सेरिबिलम है। और यहाँ पर मिड ब्रेन के बिल्कुल अटैच नीचे एक स्ट्रक्चर है, राउंड सी आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसे कहा जाता है पोन्स, PONS, पोन्स। और पोन्स के नीचे इस तरीके से आपको एक स्टॉक डंडी सी नजर आ रही है, स्ट्रक्चर को कहा जाता है मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा, मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा। और यहां पर आपका हाइंड ब्रेन खत्म हो जाता है। सो दीज थ्री आर द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। और यहां से नीचे फिर डेफिनेटली स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो ये तो स्ट्रक्चर्स की बात होगी। स्ट्रक्चर्स में हम एक और चीज़ स्टडी कर लेते हैं कि आप अगर सेरिबिलम और सेरिब्रम को देखें तो इसमें आपको इस तरीके से फोल्ड से नज़र आ रहे होंगे, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स है ना, और इन फोल्डेड स्ट्रक्चर्स को लोब्स कहा जाता है। और याद रखिए, जितने ज़्यादा लोब्स होंगे, जितनी ज़्यादा फोल्डिंग होंगी सिंपली, तो उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ ब्रेन। अगर ब्रेन का जो कॉर्टेक्स रीजन है, यानी सेरिब्रम का जो कॉर्टेक्स रीजन है, उसके अंदर जितने फोल्ड्स होंगे, जितनी लोब्स होंगी, उतनी इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि उतना सरफेस एरिया है किस्म का बढ़ गया ब्रेन का, उतनी प्रोसेसिंग वो अच्छे से कर सकता होगा। जितने भी स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन को स्टडी किया था उनके फंक्शंस को स्टडी करेंगे। सो शुरू करते हैं सेरिब्रम से। सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है ब्रेन का, और डेफिनेटली इसके फंक्शंस भी सबसे ज़्यादा होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन ये है कि जितनी भी आपकी वॉलेंट्री एक्शंस हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट हैं, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका सेरिब्रम पोर्शन ऑफ ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा सेंसरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको डील कर रहा है, यानी
अगर आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो तो वो आपके सेरिब्रम डील कर रहा है, आप किसी चीज़ को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो जितनी भी आपके सेंसेस हैं, आपके सेंसेस कितने हैं, जितने भी हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को कौन डील कर रहा है? सेरिब्रम डील कर रहा है। उनके अगेंस्ट कौन सा रिस्पांस देना है वो सेरिब्रम के अंडर आएगा। इसके अलावा स्पीच आउटपुट, आपने क्या बात करनी है, कैसे करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का स्किल भी आपके सेरिब्रम के पास है। कैपेसिटी टू प्लान, कोई चीज़ प्लान करना है उसकी स्किल भी आपके ब्रेन के पास है। सेल्फ मॉनिटर और सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी एबिलिटीज़ किसके पास हैं? सेरिब्रम के पास हैं। इंटेलिजेंस भी आपके सेरिब्रम के अंदर है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके सेरिब्रम के अंदर हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है आपका सेरिब्रम रीजन। और सेरिब्रम के साथ टेलेंसेफ्लॉन में एक और रीजन था, ओल्फैक्टरी बल्ब। ओल्फैक्टरी बल्ब स्मॉल सी स्ट्रक्चर थी और इसका काम डेफिनेटली सेंस ऑफ स्मेल है। स्मेल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ओल्फैक्टरी बल्ब उन्हें डील कर रहा होता है, और डेफिनेटली ये नोज़ के ऊपर इसी वजह से प्रेजेंट है कि एकदम से किसी भी सेंस ऑफ स्मेल को हम फील कर सकें और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे सकें। फिर टेलेंसेफ्लॉन खत्म हो गया, आप डाइनसेफ्लॉन के रीजन देखते हैं। उनमें सबसे पहले हमने थैलामस को स्टडी किया था। थैलामस याद रखिए रिले स्टेशन है मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन का, यानी जो मोटर मूवमेंट से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है उसे ये ऊपर सेरेब्रम की तरफ भेज रहा है। रिले स्टेशन है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है और उसे ये देखता है कि सेरेब्रम के कौन से पोर्शन में भेजनी है, सो उसे वहाँ पर भेजेगा। सेंसरी इंफॉर्मेशन को किसी और पोर्शन में भेजेगा, सो सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन को ये भेज रहा होता है। और अगर ये डैमेज हो जाए तो याद रखिए बंदा कोमा में जा सकता है, डेफिनेटली इंफॉर्मेशन ही आगे नहीं जा रही होगी, तो आपकी मोटर इंफॉर्मेशन यानी मूवमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आगे नहीं जा रही, तो कोमा में आप चले जाएंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। हाइपोथैलेमस को अगर हम देखते हैं, थैलेमस से बिलो होता है और हाइपोथैलेमस के डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि एपेटाइट, आपकी भूख, आपको कब लगनी है, कितनी लगनी है, इसको हाइपोथैलेमस देख रहा होता है। प्यास लगना हाइपोथैलेमस देख रहा होता है। बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा राइज तो नहीं हो गया, ज़्यादा डाउन तो नहीं हो गया, इसको हाइपोथैलेमस देख रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारे ग्लैंड्स पर हाइपोथैलेमस का रोल होता है, जो हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्टडी करेंगे। फिर एमेगडोला, जो एक हमने स्ट्रक्चर देखी थी जहाँ पर ये ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही है एमेगडोला, एमेगडोला का अगर हम रोल देखें तो वो होता है प्लेयर, जो खुशी के एहसास साथ होते हैं, पनिशमेंट, कोई किसी ने आपको पनिश किया है तो वो आपके ब्रेन में जो चलती रहती हैं तो उन्हें ये डील कर रहा होता है एमेगडोला, और सेक्सुअल एरोजल जो है उसे डील कर रहा होता है। फिर आ जाता है हिप्पोकैम्पस, यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, हिप्पोकैम्पस डील करता है लर्निंग एंड मेमोरी, आप कितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म किसी चीज़ को रिमेंबर रख सकते हैं, तो इसे हिप्पोकैम्पस देख रहा होता है। तो यहाँ पर एक और चीज़, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड सारे केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, ये हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखेंगे। तो यहाँ पर डाइनसेफलान के सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिया, सो ये फोर ब्रेन आ गया, फोर ब्रेन को हमने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है। अब उसके बाद मिड ब्रेन आ जाता है, मिड ब्रेन को जब हम देखते हैं तो आपकी आंखों के जो रिफ्लेक्सेज हैं, आंखों की जो मूवमेंट है, एक इसका फंक्शन ये है, दूसरा इसका फंक्शन ये होता है कि ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को आपस में लिंक करवाता है, इंफॉर्मेशन को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर को भेजता है, सो ये सेकंड फंक्शन आ जाता है मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन के बाद आ जाता है हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट हैं, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ओब्लॉन्गेटा। तो सेरिबेलम को जब हम देखते हैं तो सेरिबेलम आपका बैलेंस कंट्रोल कर रहा होता है, ये भी हाईली क्वाइल्ड लोब्यूलर पोर्शन है ब्रेन का, तो ये आपकी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट वे में कंट्रोल कर रहा होता है, जो आप कोऑर्डिनेट सारे मसल आपके मूव कर रहे हैं तो आप अच्छे से मूव कर रहे हैं तो इनको देख रहा होता है आपका सेरिबलम। और अगर सेरिबलम के अंदर डेफिनेटली डैमेज आता है तो मूवमेंट जर्की हो सकती है, आपकी अजीब सी मूवमेंट हो सकती है, सो सेरिबलम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ। फिर आ जाता है पोन्स वाला रीजन, पोन्स वाला रीजन डील करता है इन्वोलेंट्री एक्शन को, लाइक स्लीप, वेकफुलनेस, ब्रीदिंग, आपने सोना कब है, जागना कब है, तो एक रिदम बना होता है ना, उसी टाइम आपको नींद आती है, तो इनको पोन्स देख रहा होता है, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा करना है, स्लो करना है, इन सब इंफॉर्मेशन को पोन्स देख रहा होता है। फिर मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा रीजन आ जाता है, ये सबसे लास्ट रीजन है जहाँ पर स्टार्क लाइक, और ये कनेक्ट कर रहा होता है स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को, सो पहला फंक्शन तो इसका ये आ गया, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है इन्वोलेंट्री एक्शन में, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट डेफिनेटली सिमिलर सिमिलर हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कितनी फास्ट कितनी स्लो होनी है, स्वेलविंग, जो आप फूड खा रहे हैं निगलना,
वाले को अंदर यहाँ इसोफेगस तक भेजने का जो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है उसे कंट्रोल कर रहा है, और सलाइवरी सिक्रीशन, फूड को देख कर सलाइवा जो सिक्रीट होता है, फूड को खा कर सलाइवा जो सिक्रीट होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड को यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है कि सलाइवा सिक्रीट करो. सो ये डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के. सो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो चुका है आई नो, बट होपफुली आपको समझ आई होगी इस लेक्चर की. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.